70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी अब आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत देश में 4.5 करोड़ परिवार के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक भाजपा को फायदा दे सकता है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में इस बदलाव पर क्या कुछ कहा है, बुजुर्गों को कितना हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। आखिर तक बने रहे हमारे साथ। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आयुष्मान भारत योजना में एक बदलाव किया है। 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, यानी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज वो करवा सकते हैं। इससे पहले योजना सभी वर्ग के बुजुर्गों को शामिल नहीं करती थी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना के तहत एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग पहले से ही योजना के तहत कवर किए गए परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें अपने लिए हर वर्ष 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा, जो कि वो सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल कर पाएंगे। कैबिनेट बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्धता जताई थी कि 70 साल से ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत कवरेज दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप मिल जाएगा। अगर वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में किसी भी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किए गए हैं तो उनके पास आयुष्मान भारत में स्विच करने का ऑप्शन भी होगा। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी व्यक्तियों और 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को शामिल करेगी। ऐसे में ये वादा पूरा करने से आगामी चुनावों में भाजपा को फायदा मिल सकता है। इस पर आपकी राय क्या है, कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।